फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप सब परफेक्ट हो। हाजिर हूँ मैं आप लोगों की फ्रेंड आप लोगों के साथ आज एक बार फिर से कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। सो गाइज, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बहुत सारा थैंक यू कहना चाहती हूँ कि आप मेरे वीडियोस पसंद कर रहे हो, लाइक कर रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो। इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू मेरे सारे सोशल फ्रेंड्स। और साथ में आप लोगों को मैं सॉरी कहना चाहती हूँ क्योंकि मेरे मार्केट में शॉप है तो बार बार गाड़ियों की आवाज़ें और आ रही है, तो आई एम रियली सॉरी। आप मेरे इन चीज़ों पे नहीं ध्यान दे के आप मेरे वीडियोस पे फोकस करना प्लीज़ गाइस। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी बायोरिच ब्लीच के बारे में, ठीक है गाइस। बायोरिच कंपनी की डिटेल ब्लीच के बारे में मैं आपको डिटेल्स दूंगी। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। फर्स्ट में तो बायोरिच की डिटेल की ब्लीच है, आप देख सकते हो, ये आपको आराम से दिख रही होगी वीडियो में। बायोरिच की डिटेल की ब्लीच है, शाइनिंग ब्लीच है, ठीक है गाइस। इसके अंदर मतलब ब्लीच के अंदर शाइनर वाला लुक आएगा, ठीक है। और ये हमारा एचडी ग्लो देती है और एचडी ग्लो देती है और साथ में इसके अंदर मतलब टैनिंग स्किन को, इसके अंदर नो अमोनिया फ्री है ये, इसके अंदर केमिकल है बट कम क्वांटिटी में केमिकल है। और इसका ग्लो भी हमें एचडी रहेगा, 15 मिनट लगाना है। और इसका मतलब ये फर्स्ट में तो मैं आपको बता दूं गाइस, इसका गोल्ड शेड में नहीं है, ये वाइट शेड में डी टेन के जितने भी प्रोडक्ट आते हैं सारे वाइट में ही आते हैं। अगर आपको ब्लीच ना देख के लेनी होती है, जैसे कि आपके फेस के अकॉर्डिंग आपका फेस अगर वाइट है तो आप गोल्ड वाली भी यूज़ कर सकते हो, बट आपका फेस ना मतलब सांवला कलर है तो आप ये समथिंग डी टेन की ले लो, डायमंड की ले लो, ये ऐसी वाली ही ब्लीच यूज़ की जाती है, ठीक है। मैं बताती हूँ आपको खोल के इसका प्रोसेसर। वाओ, कंपनी ने कितना अच्छा डेमो देके बताया गाइस, आपको क्या बताऊं। देखो इसके अंदर आया है, एक तो आया है बोतल और आया है स्पून और आया है एक्टिवेटर। सो गाइस, अब मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट में ये लिक्विड बेस ब्लीच है, ठीक है गाइस। ब्लीच दो प्रकार की होती है, क्रीमी बेस और लिक्विड बेस। तो हमारे पास आज बायोरिच की ब्लीच है, ये लिक्विड बेस है एकदम। इसके अंदर लिक्विड आया है बोतल के अंदर, वो लिक्विड आया है, लिक्विड के साथ में आया है स्पून। स्पून के ऊपर क्या लिखा हुआ है, लोकेशन, जैसे कि ये बड़े वाला है ना, इस पर लिखा है लोकेशन और इस पर लिखा है एक्टिवेटर, यानी कि इसके अंदर एक्टिवेटर डालना है और इसके अंदर हमें लोशन या जो लिक्विड है ना ये डाल के हम कर सकते हैं, ठीक है। और फिर एक बात और मैं बता दूँ, जैसे कि आपकी ये वाली ब्लीच हो गई, आपको दूसरी ब्लीच करो ना तो भी आप ऐसे यूज कर सकते हो। इसमें आपको क्रीम भर लेनी है और इसके अंदर आपको एक्टिवेटर लेना है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमें कर देना है। और उसके बाद में कंपनी का कितना अच्छा डेमो दिया कंपनी ने, ये एक्टिवेटर ना ये नाप तोल के सब कुछ पैकेजिंग के अकॉर्डिंग ही दिया है। इसके अंदर बोतल के अंदर 4 एक्टिवेटर के पाउच आए हैं और ये एक पीस बोतल, यानी कि ये 4 बार हमारे आराम से ब्लीच हो जाएगी। आप घर पे छोटा सा पैकेज है, आप लेके आराम से कर सकते हो। और इसकी रेट भी ज़्यादा नहीं है, 75 रुपये की है, रिजनेबल रेट में है, 75 रुपये की आ जाती है और 4 बार हो जाती है, घर पे आप आराम से कर सकते हो। और एक्टिवेटर के ऊपर देखो आप लिखा हुआ है 3 mm, यानी कि 3 ग्राम इसके अंदर एक्टिवेटर डाला है। और इसके ऊपर लिखा है वन टाइम यूज़ ओनली, यानी कि ये एक एक्टिवेटर का पाउच एक बार ही यूज़ होगा, ठीक है गाइस। इसके अंदर जितना एक्टिवेटर डाला हुआ है उसको आपको सीधा ये लेनी है हमें लोशन, इसका मतलब क्रीम लेनी है, क्रीम के अंदर मिक्स करके हमें ये क्रीमी ब्लीच है और ये लगा के मिक्स करके हमें फेस पे लगानी है। सो गाइस, मैं आपको बता दूं कि कंपनी का इतना अच्छा डेमो है कि सब कुछ, ये पाउचिंग एक्टिवेटर है, ये भी माप तोल के साथ में स्पून दिया है। अगर आपको उससे भी नहीं समझ में आता तो स्पून में लेके उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। कंपनी ने बहुत अच्छा मतलब मार्केट में ब्रांड लॉन्च किया है और आराम से, जैसे कि जो क्लाइंट बंदा नया है, फर्स्ट बार ब्लीच और कर रहा है, उसे कोई प्रोसेसर पता नहीं है, तो आप वो ये वाली लाके करो तो आपके बढ़िया रिजल्ट रहेगा। और अगर आप फर्स्ट बार ब्लीच कर रहे हो तो ना डायरेक्टली फेस पे ब्लीच मत करना, थोड़ी सी ब्लीच पहले हाथ पे लेके करके देखना, अगर आपके हाथ पे आराम से ब्लीच हो रही है तो ही आप फेस पे ब्लीच करना, नहीं तो मत करना ब्लीच। और एक्निक के आपको पता ही है, एक्निक की स्किन पे हमें ब्लीच नहीं करनी है। अगर आपकी नॉर्मल स्किन है तो आप उस पर ऊपर ब्लीच कर सकते हो। और ब्लीच लगाने से पहले हमें आपको हमेशा मैं बताती हूँ आपके हर वीडियोज़ में कि हमें लोशन ले लो, मॉइस्चराइजर ले लो, कुछ भी लगाओ आप ब्लीच करने से पहले। और ब्लीच रिमूवर करने के बाद हमें कोई भी जेल लगानी है, ठीक है गाइज। तो आज की इन्फॉर्मेशन में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में और मैं बताऊँगी कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।